आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एन्युटी एंड बेसिक करेक्टर स्केच ऑफ एन एन्युटी। सबसे पहले है मीनिंग। कहते हैं द एन्युटी इज कॉल्ड अप डाउन अप साइड डाउन एप्लीकेशन ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल। सिंपल सी भाषा में बात करें तो कहते हैं जो एन्युटी होती है, कहते हैं एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही होती है, बट कहते हैं दोनों में फिर डिफरेंस क्या होता है। जैसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कहते हैं सिंपल एक इंडिविजुअल है वो एग्री होता है पे करने के लिए, ठीक है, सीरीज ऑफ पेमेंट, ठीक है, एक सिंपल कुछ इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है, वो जो प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, उनको वो पे करने के लिए एग्री होता है किस रिटर्न में, इन रिटर्न फॉर विच द इंश्योरर एग्री टू पे स्पेसिफाइड सम फॉर द बेनिफिशियरी, के जिसके बदले के अगर वो मुझे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक कस्टमर, ठीक है, अपने बैंक को या अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, कुछ पेमेंट्स देता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो कहते हैं उसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो कहते हैं डेथ के केस में उसको एक लमसम अमाउंट देती है, ठीक है। बट कहते हैं एन्युटी में ऐसा नहीं होता है, एन्युटी में कहता है इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। आप जब स्टार्टिंग करते हो, ठीक है, जब एन्युटी का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो वहां पे कहते हैं इंडिविजुअल पे करता है सिंपल एक स्पेसिफाइड लमसम अमाउंट, ठीक है। वैसे तो कहते हैं लमसम अमाउंट भी होती है, बट कुछ केस में कहते हैं ये जो लमसम अमाउंट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बेस पे भी हो सकती है। तो सिंपल बात करें तो सिंपल एन्युटी में कहते हैं आप स्टार्टिंग जो प्रीमियम पे करते हो वो कहते हैं एक लमसम अमाउंट में पे करते हो, ठीक है, एंड उसके बदले में कहते हैं वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको प्रॉमिस करती है कि जब तक आप जिंदा हो, ठीक है, तब तक आपको हम एक फिक्स इंस्टॉलमेंट है वो कहते हैं हम पे बैक करेंगे। जैसे क्या लिखा है कि एन्युटी सिंपल फॉर्म है, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर अ सिंगल पेमेंट ऑफ अ प्रीमियम to the annuitant and promise that the insurer will pay a given amount periodically to the annuitant, ठीक है, कि सिंगल पेमेंट पे हम आपको कहते हैं गिवन अमाउंट ऑफ देंगे पीरियोडिकल बेसिस पे, ठीक है। बट लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि डेथ तक आपको कहते हैं सिंपल एक लमसम अमाउंट ही मिलती है। उसके बाद इसके बेसिक करेक्टर्स का, ठीक है, सबसे पहले है पार्टीज इन्वॉल्व की, कौन सी पार्टीज होती हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट का ओनर, सिंपली कहते हैं जिसने कॉन्ट्रैक्ट को परचेस किया हो, ठीक है, कहते हैं एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं अगर आपने कहते हैं ज्वाइंटली होल्डिंग की हुई है एन्युटी की। उसके बाद होता है एन्युटेंट, सिंपल कहते हैं जिस व्यक्ति का कहते हैं नाम जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है उसमें कहते हैं एन्युटेंट। उसके बाद होता है बेनिफिशियरी, ठीक है, जिसको कहते हैं सिंपल पैसे रिसीव होने होते हैं उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी। उसके बाद है इंश्योरर कैरियर, ठीक है, सिंपल इसका मतलब होता है कहते हैं जो वो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जिसने कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट की मेकिंग के लिए, ठीक है, जो पैसे की पे करती है। उसके बाद यहाँ ना टाइप्स ऑफ एन्युटी बताया गया है, यहाँ तीन टाइप बताएंगे मेजर में, फिक्स्ड है, इंडेक्स है और वेरिएबल है, ठीक है। फिक्स किन के लिए होती है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, कहते हैं वो इन्वेस्टर कौन से होते हैं, कहते हैं जिनको कहते हैं कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना होता, सिंपल उन्हें क्या चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट और साथ अगर कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो वो बस। उसके बाद होता है इंडेक्स एन्युटीज, ठीक है, सिंपली कहते हैं ये होती है मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए, जो कहते हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी मार्केट में, किसी भी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं विदाउट रिस्किंग देयर प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को रिस्क किए बिना, कि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट उन्हें चाहिए, बाकी जो इंटरेस्ट है वो कहते हैं ड्यू टू इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकता है। उसके बाद है वेरिएबल एन्युटी, ये होती है मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, जो सिंपली कहते हैं विलिंग होते हैं कि वो रिस्क करेंगे अपने प्रिंसिपल को भी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कहते हैं वो अमाउंट गेन कर सके। उसके बाद आपको नीचे यहाँ फ्रेजेस गिवन है एन्युटी के कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, सबसे पहला आपका फ्रेज होता है एक्युमुलेशन फ्रेज, ठीक है, ये कहते हैं क्या होता है कि पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, सिंपली कब से स्टार्ट होता है, जब से कहते हैं आपने पेमेंट की, जब से आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया ना, तो जब आपने पहली पेमेंट की होगी वहीं से कहते हैं स्टार्ट होता है, वहीं से कहते हैं आपकी जो एन्युटी है वो ग्रोथ करनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है एनुअलाइजेशन फ्रेज, सिंपली कहते हैं ये वो एक टाइप का कहते फ्रेज नहीं होता, एक टाइप का कहते इवेंट है, एक टाइप का कहते पॉइंट है, इट इज मोर देन अ डेफिनेट इवेंट देयर देन अ फ्रेज, कहते फ्रेज के अलावा कहते इवेंट है या आप ऐसे भी कह सकते हैं पॉइंट है, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, पेमेंट है उसको कहते स्टार्ट करना अपनी पे बैक जो पीरियड नहीं होता, कहते वो जो पेमेंट है कहते वो वापस करनी है अपने इन्वेस्टर को, तो उसी को हम कहते हैं एनुटाइजेशन फ्रेज। उसके बाद लास्ट है पे आउट फ्रेज, सिंपल जब कहते हैं वो पेमेंट स्टार्ट करती है ना इंश्योरेंस कंपनी अपने इन्वेस्टर को, ठीक है, उससे हम कहते हैं अपना पे आउट का फ्रेस। उसके बाद लास्ट इन्होंने बोला है यहाँ मेथड ऑफ प्रीमियम पेमेंट के, जो प्रीमियम की पेमेंट है वो कहते हैं वो किन किन मेथड से हम कर सकते हैं। सबसे पहले है सिंगल, ये तो आपको पता है कि जब आप कोई भी लमसम पेमेंट करते हैं उसमें कहते हैं सिंगल प्रीमियम। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्स प्रीमियम, सिंपल कहते हैं यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट बेस होता है, बट इंस्टॉलमेंट क्या होती है, इंस्टॉलमेंट फिक्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल प्रीमियम, सिंपल कहते हैं यहाँ पे जो प्रीमियम की अमाउंट है कहते हैं वो वैरी करती है हर एक इंस्टॉलमेंट में, जैसे आपने सबसे पहली अमाउंट जो है वो ज्यादा पे करनी है, ठीक है, प्रीमियम की। उसके बाद जैसे जैसे आप कहते हैं प्रीमियम की अमाउंट पे करते हैं वैसे वैसे ही आपकी जो अमाउंट है प्रीमियम की वो कम होती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है
मेथड ऑफ पे आउट कहते हैं कि किस टाइप की कहते हैं पे आउट होती है एन्यूटी के। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए तो स्ट्रेट लाइफ सिंपल इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट है कि जो उन्हें प्रीमियम पे बैक होता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को, ठीक है, वो कहते हैं कब तक होता है, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति जिंदा है, ठीक है, तब तक उन्हें पेमेंट होगी, या कहते हैं जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, या तो आप लाइव हो या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो, ठीक है, दोनों में से जो भी पहले आएगा, ठीक है, वहां तक ये पेमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइफ इनकम विद रिफंड और कैश रिफंड एन्युटी। ठीक है, सिंपल इसका मतलब है कि जैसे अगर, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 10 साल का था, ठीक है, एग्ज्यूम करते हैं 10 साल में, कहते हैं अगर आपने सिर्फ 8 साल ही, ठीक है, जिए, आपने 8 साल के बाद आपकी डेथ होगी, ठीक है, तो बाकी के 2 साल के जो पैसे होते हैं, कहते हैं वो आपकी बेनिफिशियरी को दिए जाते हैं, कि जो आपके जो नॉमिनी है ना, उनके आपके भी आप पे जो आपने नॉमिनी सेट किया होगा उसे दिया जाता है पैसा। उसके बाद लाइफ इनकम विद अ सर्टेन पीरियड, अगेन सर्टेन पीरियड की यहाँ एग्जांपल दी गई है आपको, कहते हैं कि इफ अ पीरियड सर्टेन इज 20 ईयर, कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कहते हैं 20 साल की है, और अगर आपका एन्यूटेंट, ठीक है, जिसका जिसने की एन्यूटी ली थी उसने कहते 13 ईयर के बाद ही कहते हैं वो डाई हो जाता है, देन उसके बाद के जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, वो कितना पैसा रिसीव करेगा, ओनली 7 साल का। ठीक है, बाकी के जितने पैसे बचे हुए हैं ना 7 साल के, वो कौन रिसीव करेगा, बेनिफिशियरी के, जिसको पैसे मिलते हैं लास्ट में। ज्वाइंट लाइफ, जैसे आपको पता है कि आप जो बैंक में ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हो वैसे सेम है ये, कि अगर आप कहते हैं कोई भी दो व्यक्ति, ठीक है, एक से ज्यादा व्यक्ति, मतलब कोई भी कहते पॉलिसी को लेता है एन्यूटी की, उसे हम कहते हैं ज्वाइंट लाइफ। बट यहाँ पर कहते क्या होता है, अगर कहते दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो कहते वहां ही कहते पेमेंट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपॉन दी डेथ ऑफ अर्लियर ऑफ ईदर, ठीक है, पेमेंट विल बी सीज, कि दोनों में से, जैसे कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, दोनों ने इकट्ठा एन्यूटी कटवाया है, अगर एक की डेथ पहले हो जाती है, देन कहते हैं जो भी पेमेंट है, ठीक है, वो सीज हो जाएगी पेमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है ज्वाइंट सर्वाइवर लाइफ और ज्वाइंट एंड सर्वाइवर एन्यूटी। ठीक है, सिंपल इसका मतलब क्या होता है कि अपॉन द डेथ ऑफ अ सेकंड एन्यूटी एन्यूटेंट डज द कॉन्ट्रैक्ट पास टू बेनिफिशियरी, कि दोनों में से, ठीक है, अगेन वही ज्वाइंट लाइफ ज्वाइंट एन्यूटी की बात की है, जैसे कि ए और बी, ठीक है, दोनों ने एन्यूटी करवाई थी, वहां पे कहते हैं एक ही अगर डेथ हो जाती है, देन उस केस में कहते हैं जो बाकी की पेमेंट है, कहते हैं वो उसकी बेनिफिशियरी को दी जाएगी। ठीक है, पीरियड सर्टेन अगेन नाम से क्लियर है, कहते हैं ये जो है इसका जो पेमेंट है, कहते हैं वो सिंपली कंटिन्यू होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है, जो कि पहले से फिक्स होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद कहते हैं स्टॉप हो जाती है एट विच पॉइंट, उस पॉइंट में कहते हैं जब तक जहां पे आपका कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है ज्वाइंट सर्वाइवर लाइफ विद द पीरियड सर्टेन, सिंपली इसमें क्या होता है कि पेमेंट कंटिन्यू अंटिल बोथ एन्यूटेंट आर डाइड एट विच टाइम द बेनिफिशियरी विल रिसीव द रिमाइंडर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ द डेथ ऑफ द सेकंड एन्यूटेंट, सिंपल पेमेंट कब तक मिलती है, जब तक दोनों में से कोई एक व्यक्ति जिंदा है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, देन उस केस में बेनिफिशियरी है कहते वो पैसा रिसीव करेगा बाकी व्यक्ति का। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड अमाउंट है, सिंपल कहते हैं सिंपल मेथड है, जिसमें कहते हैं एन्यूटेंट सिंपली रिसीव करता है एक फिक्स्ड पेमेंट अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एग्जॉस्ट, ठीक है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू खत्म नहीं हो जाती तब तक कहते हैं उसे एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती ही जाती है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। कहते हैं उसके अलावा अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले ही, ठीक है, देन उस केस में जो बेनिफिशियरी है वो रिसीव करेगा उसके बाकी का पैसा। लास्ट है इंटरेस्ट इनकम ओनली, जैसे नाम से क्लियर है कि हाँ सिंपली एन्यूटेंट जो है वो कहते हैं रिसीव करेगा ऑल या पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, सारा पैसा या कुछ पार्ट इंटरेस्ट का वो रिसीव करेगा। ठीक है, विदाउट डिपेंडिंग द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अलावा कहते हैं जो इंटरेस्ट है उस अमाउंट को कहते हैं वो इंजॉय करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ पे आउट, कि जो पे आउट होते हैं, ये जो पे आउट है कहते हैं इसका क्या टाइम है। ठीक है, दो टाइप में होते हैं, फर्स्ट है इमीडिएट, सेकंड है डेफर्ड। ठीक है, इमीडिएट में सिंपल क्या होता है, कहते हैं कि जैसे आपने कहते हैं पेमेंट स्टार्ट की, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया, ठीक है, जब आपने फर्स्ट पेमेंट जो की है उस पेमेंट के बाद ही अगर आपको कहते हैं पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं इमीडिएट। ठीक है, जैसे आपने पैसा दिया, ठीक है, उसके बाद आपने बैंक वाले ने आपको पैसा देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है इमीडिएट एन्युटी बिगेन मेकिंग पेमेंट बैक टू दी ओनर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज इन फोर्स, कि जब जहां से कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है ना वहीं से कहते हैं आपको ये पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। डेफर्ड अगेन कहते हैं ये कहते ग्रो होता है, कि जैसे आपने फर्स्ट पेमेंट की, ठीक है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर लिया, बट कहते हैं यहाँ पे आपको इमीडिएट जो मनी है वो बैक नहीं मिलती, सिंपली आपको कुछ एक फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम के बाद ही आपको जो पेमेंट है वो बैक मिलती है, जैसे कि जो फिक्स टाइम हो सकता है रिटायरमेंट का, ठीक है, या कोई भी एज लिमिट हो सकती है, कोई भी रिटायरमेंट की एज हो सकती है। ठीक है, जब तक कहते हैं वो जो कंडीशन है कि वो जो लिमिट है वो नहीं आती, तब तक कहते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे बैक नहीं करेगी।